हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 to 1941। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर चुकी थी, उसके बाद अगस्त ऑफर को भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, यानी एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। कांग्रेस के अंदर ही लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा था। कुछ करिए। कांग्रेस के मेंबर्स चाहते थे कि कांग्रेस लीडरशिप कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करे। बात गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी ने कहा कि वो अभी किसी भी मास मूवमेंट को लॉन्च करना नहीं चाहते हैं, और उसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि मास मूवमेंट में वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और गांधी जी क्योंकि नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे इसीलिए वो मास मूवमेंट को लॉन्च करने के फेवर में नहीं थे। इसके अलावा मास मूवमेंट ना शुरू करने का दूसरा रीज़न ये था कि World War II शुरू हो चुका था, और ऐसे समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर में बिजी थी, तो यहाँ पर एक मूवमेंट लॉन्च करके गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्बेरेस नहीं करना चाहते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने लॉर्ड लिथिंगो से अपनी 27 सितंबर 1940 की मीटिंग में भी किया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस लीडर्स को बताया कि वो एक मास मूवमेंट शुरू करने के बजाय एक इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे लीडर्स ने कहा कि यार गांधी जी बड़ा मूवमेंट करते हैं यार, कोई छोटे से मूवमेंट से नहीं हो पाएगा, ये छोटा सा सत्याग्रह करके क्या होगा। बट गांधी जी ने कहा, अम्मी जान कहती थी कोई मूवमेंट छोटा नहीं होता और मूवमेंट से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यानी गांधी जी ने कैसे भी करके सबको कन्विंस कर लिया कि इंडिविजुअल सत्याग्रह ही सही रहेगा। अल्टीमेटली सबको गांधी जी की बात माननी ही पड़ी। इनफैक्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम पहले के मूवमेंट्स की तरह पूर्ण स्वराज या फिर आज़ादी नहीं था। यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम सिर्फ इतना था कि एज एन इंडिविजुअल इंडियंस के पास भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ बात हो रही थी राइट टू स्पीच की, यानी इस मूवमेंट के जरिए गांधी जी बोलने की आज़ादी को अफर्म करना चाहते थे और मजबूत करना चाहते थे। अब बात यह है कि गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम राइट टू स्पीच को अफर्म करना ही क्यों रखा? क्या इंडियंस के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी? एक्चुअली पिछली वीडियो में आपने देखा था कि लॉर्ड लिथिंगो ने 3 सितंबर 1939 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया World War II में ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है, जबकि उसने ये डिक्लेयर करने से पहले इंडियन लीडर्स से पूछा तक नहीं था कि वो वार में ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहते भी हैं या नहीं। यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस के राइट टू स्पीच बोलने के अधिकार का हनन हुआ था। और बात बस इतनी ही नहीं थी, ऐसे और भी इंस्टेंसेस थे जिनसे पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के राइट टू स्पीच को सप्रेस करना चाहती थी। World War II के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 लागू किया था, और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट कई सारे ऑर्डिनेंसेस लेके आई थी जिसके थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू ऑर्गेनाइज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। इसीलिए गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू पूरी दुनिया तक ये मैसेज पास करना चाहते थे कि हमसे बिना पूछे हमारे बिहाफ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया है कि इंडियंस वॉर में ब्रिटिशर्स के साथ हैं, यानी इंडियंस से बोलने का अधिकार तक छीन लिया गया है। इसके अलावा गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह करके पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्लेम बिल्कुल गलत है, इंडिया के लोग World War II में ब्रिटेन के साथ नहीं है। इन सब कारणों की वजह से गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम राइट टू स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को मजबूत करना है यही रखा। अब अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो इंडिविजुअल सत्याग्रह दो फेजेस में हुआ। पहला फेज चला 11 अक्टूबर 1940 से 14 दिसंबर 1940 तक, और दूसरा फेज शुरू हुआ जनवरी 1941 में और ख़त्म हुआ दिसंबर 1941 में। फर्स्ट फेज में गांधी जी ने कुछ सत्याग्रहियों को चुना था। इन चुने हुए सत्याग्रही को एक पहले से डिसाइडेड जगह पर जाकर भाषण देने होते थे, वार के खिलाफ बोलना होता था। इन स्पीचेस में सत्याग्रही पब्लिकली ये डिक्लेयर करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार में किसी भी तरह की कोई भी मदद ना की जाए। ऐसा करते हुए इंडिविजुअल सत्याग्रही अपने राइट टू स्पीच का इस्तेमाल करते थे, अपने राइट टू स्पीच को अफर्म करते थे। इसी तरह वो विलेजेस में घूम घूम कर अलग अलग जगह जाकर एंटी वॉर स्पीच देते रहते थे, जब तक कि पुलिस उनको आकर अरेस्ट नहीं कर लेती। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि हर भाषण से पहले सत्याग्रही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भाषण की जगह और टाइम दोनों के बारे में इन्फॉर्म कर देते थे।
इंडिविजुअल सत्याग्रही मूवमेंट के पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। ये गांधी जी के स्पिरिचुअल डिसाइपल थे। इन्होंने पवनार महाराष्ट्र से 11 अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। इन्होंने ऑलमोस्ट 10 दिन तक गांव-गांव घूमकर वार के खिलाफ भाषण दिए और अल्टीमेटली 21 अक्टूबर 1940 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। 31 अक्टूबर 1940 में इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके बाद तीसरे सत्याग्रही बने ब्रह्मदत्त। इस फेज में ज़्यादातर लोग आंदोलन से नहीं जुड़ पाए और 14 दिसंबर 1940 में गांधी जी ने कुछ समय के लिए इस आंदोलन को रोक लिया। मगर कुछ ही दिनों के बाद यानी जनवरी 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह दोबारा शुरू किया गया, इसीलिए इसे फेज टू भी कहा जाता है। इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इस मूवमेंट से जुड़े थे। रीज़न ये था कि इस बार ये कहा गया था कि इंडिविजुअल सत्याग्रही जो है वो सिर्फ गांव-गांव में घूमकर वार के खिलाफ भाषण नहीं देगा, बल्कि इंडिविजुअल सत्याग्रही जो है वो अपने भाषण के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ेगा और उन्हें लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेगा जब तक कि पुलिस की गाड़ी आकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लेती। नारा दिया गया था दिल्ली चलो, चलो 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 दिल्ली, चलो 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 दिल्ली, चलो 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 दिल्ली, चलो दिल्ली। इसीलिए इस मूवमेंट को दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा जाता है या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। हजारों लोग सत्याग्रहियों के साथ दिल्ली चल पड़े। इसके चलते 15 मई 1941 तक अराउंड 20,000 लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के साथ मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो होता गया, ठंडा पड़ गया और फिर दिसंबर 1941 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर एफर्ट में सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बट कंडीशन ये है कि वॉर एंड होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम दिलाएगी। इसी रेजोल्यूशन के साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह का सेकंड फेज भी खत्म हो गया। चलिए अब जल्दी से इंडिविजुअल सत्याग्रह को समराइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि लॉर्ड लिथिंगो ने इंडियंस से बिना पूछे डिक्लेयर किया था कि इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी लागू किया था इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे ऑर्डिनेंसेस भी पास किए थे इंडियंस के राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। इन सब कारणों के चलते इंडियंस की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी गई थी। गांधी जी राइट टू स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को वापस से मजबूत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने जो पहले तीन सत्याग्रही चुने उनके नाम थे आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। इंडिविजुअल सत्याग्रह दो फेजेस में हुआ। पहले फेज में सत्याग्रही को गांव-गांव में घूमकर वार के खिलाफ भाषण देने होते थे जब तक कि उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए। दूसरे फेज में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। यहाँ पर सत्याग्रही लोगों को अपने साथ दिल्ली चलने के लिए प्रेरित करते थे और दिल्ली की तरफ बढ़ते रहते थे जब तक कि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। दिसंबर 1941 में कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह कंडीशन रखी गई कि अगर वर्ल्ड वॉर टू के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी जाए तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसी के साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टॉप कर दिया गया। इस वीडियो के नोट्स bookstava.com वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। bookstava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए bookstava चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग bookstava।